मुंबई के मलाड में स्थित मालवानी के गेट नंबर 7 में रहने वाली एक शादीशुदा महिला का हुआ कत्ल। मालवानी पुलिस से प्राप्त की गई जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम शाहिदा बेगम जुबैर आलम 25 वर्षीय है। शाहिदा की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। 3 बच्चे की मां शाहिदा को कत्ल करने वाला कातिल कोई गैर व्यक्ति नहीं बल्कि शाहिदा का ही देवर निकला। मालवानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम इरशाद आलम 19 वर्षीय है। पुलिस को दिए गए बयान में आरोपी ने बताया कि उसकी भाभी से आए दिन उसका झगड़ा हुआ करता था। आरोपी ने पुलिस के सामने कत्ल का इल्जाम कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि घर में उसकी भाभी से झगड़ा होने पर उसका भाई हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया करता था, इसलिए उसने अपनी भाभी को ही ठिकाने लगा दिया। आरोपी ने अपनी भाभी को घर में अकेला देख पहले उसका गला दबाकर हत्या की और बाद में मृत शरीर को चूहे मारने का जहर पिला दिया। गौरतलब है कि शुरुआती पुलिस जांच में पुलिस को ऐसा लगा जैसे महिला ने खुदकुशी की है। पुलिस की अधिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसका कत्ल हुआ है। फिलहाल आरोपी देवर इरशाद को कत्ल के इल्जाम में मालवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। और कौन पूछ रहा है? सर, मालवानी पुलिस स्टेशन की हद में एक हत्या की जगह हत्या करने का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, 25/6/2022 को एक कॉल आया है पुलिस स्टेशन में, एक 63 नंबर प्लॉट पे एक लेडी बेहोश पड़ी है। तुरंत वहाँ जाने के बाद समझ में आया क्या वो लेडीज ने कुछ तो दवा पी के सुसाइड किया है, ऐसा उसके जहाँ वहाँ उसके जो स्मेल आ रहा था उसके वजह से ऐसा लगा। हमने तुरंत वो बॉडी लेके शताब्दी भेजी। शताब्दी की बात चेक करने के बाद डॉक्टर ने उसको दाखिल करने के पहले मृत घोषित किया। उसको मृत घोषित करने के बाद हमने उसका पीएम के लिए बॉडी भेजा। बॉडी पीएम के लिए भेजने के बाद उसका कॉज ऑफ डेथ ये आया क्या उसको गला दबा के मारा गया है। फिर उस गला दबा के मारा जाने के बाद हमने उसका FIR दाखिल किया है। उसका नंबर है 855/22 जी और कलम है 302 जी। उसके बाद हमको समझ में आया क्या वो घर के ही किसने किया होगा। हमने चौकसी करने के बाद समझ में आया क्या उसके देवर ने उसका गला दबा के उसका खून किया है और समझ में नहीं आने और वजह से उसने वहाँ दवा को चूहे मारने की दवा डाल दिया है, उसका बॉटल उधर रख दिया था जी। इस मामले में जो आरोपी पकड़ा गया है उसने क्या कुछ कबूल किया कि इस हत्या को क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह ये है, उसका ये कहना है उसकी भाभी एक गांव में रहती थी, जब उसके माँ से और उसके डैडी से बाप से बहुत झगड़ा करती थी, उसको उसके माँ बाप ने यहाँ बम्बई में आने के लिए मना किया था, लेकिन वो झगड़ा करके बम्बई में आ गई। बम्बई में आने के बाद उसने वो देवर होने के बावजूद भी उससे बताया नहीं कि वो बम्बई में थी, बम्बई में आई है। और वो जो बम्बई में आई एक उसका दोस्त है, वो दोस्त ने उसको बुलाया है और उसने उसको रूम दिला के दिया। हाँ। और इसके वजह से वो जो दोस्त है उसके ऊपर वो देवर शक ले रहा था क्या कहीं उसका उसका कुछ चक्कर है। वो शक के बिना पे और जो माँ बाप से झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, इसके वजह से वो उसके गुस्से में आके उसका खून किया है। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।